देखना, एक सुंदर सा वर आएगा तुम्हारी प्रिय पुष्पमाला लिए, तुम्हें वरेगा और अपने साथ ले जाएगा। हमारा ये विवाह होगा भार्गवी, किंतु इस क्षण मुझे पद्मावती के पास जाना होगा भार्गवी। कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। आज तक इस नगरी ने मुझे जो कुछ भी दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। वही मेरा जन्म हुआ। मुझे असीम प्रेम करने वाले माता पिता सखियां मिली, यही मुझे मेरा प्रेम श्रीनिवास से मिला। तो अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि श्रीनिवास जो कार्य करने गया है उससे बाहर निकल पाना असंभव है। इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, सदैव के लिए, सदैव के लिए। वेंकटगिरी को मेरा अंतिम नमन। भार्गवी, कहाँ हो तुम पुत्री, कहाँ हो तुम? मैं इस प्रकार जाने नहीं दूंगा। अश्ले भार्गवी का कुछ पता चला? बोलिए ना, कुछ पता चला भार्गवी का? कुछ पता नहीं चला, किंतु इतना निश्चित है कि इस सब के पीछे श्रीनिवास की ही कोई योजना है। समझ में नहीं आ रहा, श्रीनिवास ने कहां भेज दिया है भार्गवी को? वासु पुत्र, तुम चिंता मत करना, हम भार्गवी को ढूंढ लेंगे, हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। सांत्वना मत दीजिए आप मुझे ऋषि भृगु। जब आपकी पुत्री को मेरे साथ विवाह करना ही नहीं था, तब क्यों प्रस्ताव लेकर आया विवाह का? क्यों?
यदि आपको ज्ञात था कि उसका संबंध श्रीनिवास से है, तब क्यों प्रयास किया आपने मेरे साथ नाता जोड़ने का? क्यों? पूर्ण वेंकटगिरी मुझ पर हंस रही है, मेरा उपहास बना रही है। पहले मेरी बहन स्वयंवर छोड़कर गई और अब भार्गवि मंडप छोड़कर अदृश्य हो गई, और उन दोनों के पीछे कारण कौन है? वो श्रीनिवास जिसका भेद आपने मुझसे छिपाया। ऋषि भृगु, क्या सोचेंगे लोग कि ऋषि भृगु की पुत्री ने राजकुमार वासु से विवाह करने के बजाय घर छोड़ना उचित समझा? आपने और आपकी पुत्री ने मेरे चरित्र पर जो कलंक लगाया है ऋषि भृगु, उसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। रुकिए कुमार, कुमार बात तो सुनिए। हे महादेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भार्गवी, मेरी लक्ष्मी मेरे पास पुनः लौट कर आ जाए। आप दुखी क्यों हैं ऋषि भृगु? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आप तो सदैव से यही चाहते थे ना कि मैं कभी अपनी भार्गवी को लेकर जा ना पाऊं। उसके लिए हर संभव प्रयास आपने किया, षड्यंत्र रचे, और आज वही हुआ है। आज मेरी श्री मुझे छोड़कर चली गई, तो साथ ही मैं आपको भी परिणाम भुगतना पड़ा। वो आपको भी छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई, छोड़कर चली गई। मेरी पुत्री भार्गवी स्वयं घर छोड़कर नहीं गई है, अवश्य इसमें तुम्हारी कोई चाल है। इसमें मेरी चाल नहीं, आपके कर्मों का जाल है ऋषि भृगु। मैंने कभी भार्गवी से ये नहीं कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए। अभी तो मैंने उसे ये वचन दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम कहीं छिप कर भाग कर नहीं जाएंगे, कि हमारा विवाह होगा और वो भी आपके आशीर्वाद के साथ, कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पहले आपका हाथ उठेगा भार्गवी को आशीष देने के लिए, तत्पश्चात वो मेरे साथ जाएंगे। ये वचन मैंने दिया था भार्गवी को, किंतु आपको तो श्री को खोने का भय था, आपको श्रीहीन होने का स्वार्थ था, और इसमें कुछ इस प्रकार अंधे हो गया आप कि मेरी लक्ष्मी की इच्छाओं का मान ही नहीं रखा आपने। आपने भार्गवी का विवाह वासु के साथ निश्चित भी कर दिया ऋषि भृगु। आपको क्या लगता है, देवी लक्ष्मी को धन से प्रसन्न किया जा सकता है? वो स्वयं ऐश्वर्य की देवी है, और यदि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो वो वहां नहीं रुकेगी।